आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार दो दिन की काशी दौरे पर हैं। सीएम ने बनारस दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले काल भैरव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और फिर काल भैरव काशी के कोतवाल के यहां दर्शन करने के लिए वो पहुंचे। आपको बता दें कि काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, तो सबसे पहले काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां सीएम योगी ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। नाथ संप्रदाय से जुड़े होने के कारण नाथ संप्रदाय की रीतियों के हिसाब से पूजा अर्चना कराई गई और इसके बाद योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी ने 51 लीटर दूध से बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। काल भैरव मंदिर में जहां पूजा अर्चना की कोतवाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे मुख्यमंत्री, तो वहीं बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। 51 किलो दूध से उन्होंने रुद्राभिषेक किया और पूजा अर्चना विधि विधान से निपटते नजर आए। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि एक तरफ जहां रुद्राभिषेक उन्होंने किया काल भैरव मंदिर में पहुंचकर, तो वहीं 51 लीटर दूध से भी वो रुद्राभिषेक करते नजर। तो काशी के कोतवाल यानी काल भैरव मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। बनारस पहुंचने के बाद सीएम योगी ने काल भैरव का दर्शन किया है, यहां पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई है। मंदिर के पुजारी हैं मेरे साथ जिन्होंने यहां पर पूजा करवाई है। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय में जो पूजन की विधि है उसी हिसाब से यहाँ पर पूजा पाठ किया गया। यहाँ जो नाथ संप्रदाय पूर्वज विधि चली आ रही है उसी के अवसर से पूरा पूजा करवाया गया है। उन्होंने बड़ा ही शांतिपूर्वक पूरा मंत्र सुना है, अच्छे से पूजा अर्चना की है, आरती की है भगवान की और उनको स्मृति चिन्ह और प्रसाद के द्वारा उनको विदा किया गया। क्या जो आमतौर पर जो यहाँ पर पूजा अर्चना होती है उससे ये विधि कुछ हटके है? हाँ, ये भगवान काल भैरव की बता रहे हैं हम। आज जो पूजा यहाँ हुआ है क्योंकि ये नाथ के गद्दियों का जो नाथ हम लोग का एक संप्रदाय है, वो सबसे बड़े नाथ का जो गद्दी गुरु गोरखनाथ का है गोरखपुर में, उसके सेवा पूजा करने वाले उसके वो है और हम लोग उसी नाथ समुदाय से जुटे हुए हैं और काल भैरव मंदिर और गुरु गोरखनाथ एक ही भगवान बाबा शंकर के ही इन लोग रूप है। धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर सीएम योगी ने काल भैरव का दर्शन किया और जो यहाँ के पुजारी हैं उनका ये कहना है कि ये भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है और चूंकि गोरखनाथ पीठ के महंत हैं सीएम योगी, इसीलिए बनारस आने के बाद उन्होंने सबसे पहले काल भैरव के मंदिर में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना की। विधिवत तरीके से जो नाथ संप्रदाय में पूजन की विधि है उस हिसाब से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। हालांकि इसके बाद सीएम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे हैं। कैमरामैन अमित सानी के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, वाराणसी।